नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आने वाले कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग की पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, जिस किसी ने भी नर्सिंग के अंदर कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, उन सबके लिए अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का। तो मैं इस वीडियो के अंदर आप सबको इस वैकेंसी के बारे में एक टू जेड सब कुछ बताने वाला हूं। क्या ये वैकेंसी है, कितनी इसके अंदर पोस्ट है, क्या इसके अंदर एज लिमिट है, किस प्रकार आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए अभी कितनी फीस लगने वाली है, कितनी आपको दोस्तों इसके अंदर सैलरी मिलने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आने वाले हॉस्पिटल्स के अंदर निकली हुई नर्सिंग की पोस्ट पर वैकेंसी को लेकर, उसकी जानकारी को लेकर दोस्तों, संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट और वैकेंसी को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें हम आज की आपकी वैकेंसी की, तो वह है आपकी RML हॉस्पिटल नर्सिंग रिक्रूटमेंट 2024। दोस्तों, आपको दिल्ली के अंदर जो RML हॉस्पिटल है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दोस्तों इसके इन दोनों के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। और मेरे प्यारे दोस्तों, और बताऊं मैं आपको, जो दोनों हॉस्पिटल हैं आपके, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये दोस्तों ब्रिटिश के टाइम में बनवाया गया था। उस टाइम पे दोस्तों ब्रिटिश के अंडर था, उसके बाद में दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों इसको अपने अंडर ले लिया, तब से दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल है। तो इन दोनों के अंदर दोस्तों सरकारी वैकेंसी है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर। और हम बात करें इसके अंदर, इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मानी गई है। दोस्तों, अगर आपने BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और BST पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर नर्स और मिडवाइफ के लिए आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आप रजिस्टर्ड हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा भी कर रखा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के अंदर, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। या फिर आपने किसी हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों प्रैक्टिस कर रखी है जिसमें मिनिमम 50 बेड थे और आपको उसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथ, ये तो थी आप सबके लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को लेकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन संपूर्ण जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल वैकेंसी की, तो टोटल आपके लिए दोस्तों यहाँ पर 665 दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर टोटल 665 वैकेंसी के ऊपर दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है। अब हम इसके अंदर अगर बात करें आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि आप इसके लिए कब से लेकर कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो आपका जो फॉर्म भरना है वो शुरू होगा 4 अप्रैल 2024 से। दोस्तों, आपका जो फॉर्म भरना है वो 4 अप्रैल से शुरू हो चुका है और दोस्तों 21 अप्रैल 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 4 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपकी फीस की, यानी इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी फीस लगने वाली है, तो अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी से हैं तो आपके लगेंगे 1180 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में। और अगर आप SC ST हैं तो आपके लगेंगे 708 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनका अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है। और मेरे प्यारे साथियों, हम बात करें इस वैकेंसी को लेकर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को लेकर एज लिमिट की, यानी इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी कितनी एज लिमिट मांगी गई है। तो दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से लेकर 40 साल के बीच है दोस्तों, तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपकी जो कास्ट और कैटेगरी है, यहाँ पर आपकी जो अलग अलग कास्ट अलग अलग कैटेगरी के बेस पर आपको आयु में छूट, यानी कि दोस्तों एज रिलैक्सेशन दोस्तों आपको दिया जा रहा है इस भर्ती के अंदर, यानी कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको आयु में छूट दी जाएगी, जिसको आप डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ के देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। और मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आपकी सैलरी। यानी कि इस भर्ती के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको महीने का कितना वेतनमान, कितनी सैलरी दोस्तों आपको मिलने वाली है इस पोस्ट के ऊपर। दोस्तों, अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको दोस्तों महीने के 44,900 रुपये से लेकर दोस्तों आपको महीने के 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रति महीना दोस्तों मिला कर दिया। दोस्तों, आपको यहाँ पर महीने के 44,900 रुपये से लेकर
42,400 रुपए मिला कर। जी हाँ दोस्तों, आपको महीने के 42,900 रुपए से लेकर 142,400 रुपए मिला करेंगे अगर आप इन दोनों हॉस्पिटल के अंदर जो कि सरकारी है उसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भर्ती हो जाते हो तो। और इसके साथ साथ आपको अलग अलग जो अलाउंसेस हैं दोस्तों, आपके जो भत्ते हैं वो भी आपको दोस्तों इसके अंदर अलग से मिला करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि आपका सिलेक्शन इन दोनों हॉस्पिटल के अंदर जो सरकारी हॉस्पिटल है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर किस बेस पर होगा दोस्तों, उसके लिए आपका एग्जाम होना है CRT बेस्ड एग्जाम दोस्तों। उस एग्जाम को क्लियर करने पर दोस्तों आपको इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर, आपको दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आप सब लोगों के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल और अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर निकली हुई नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी। दोस्तों वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।